हाय फ्रेंड, गाड़ी आज हमारे पास हिंडई i20। गाड़ी लेफ्ट साइड में खींचने का प्रॉब्लम है, स्टेयरिंग का काम किया इसका, तो आज हम इसका कैलिब्रेशन करेंगे और कैसे कैलिब्रेशन करते हैं वो भी दिखाएंगे आपको। भाई हम लोग टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी हमारी सेफ लेफ्ट साइड में पुलिंग हो रही, पूरी देख सकते हो लेफ्ट साइड में जा रही पूरी गाड़ी। ये देख सकते हो पूरी गाड़ी लेफ्ट में जा रही है। हम लोग इसको कैलिब्रेशन मारेंगे, देख सकते हो आप लोग सीधा लेफ्ट में जा रही गाड़ी। दिखाओ जरा, दिखाओ, ये देख सकते हो पूरी गाड़ी लेफ्ट में जा रही। छोड़ो स्टेयरिंग, छोड़ो, थोड़ा सा लगा, साइड में लगाओ। एक बार इसको कैलिब्रेशन मार के देखते हैं गाड़ी हमारी बराबर होती है क्या। ये देख सकते हो पूरी लेफ्ट में जा रही है, पूरी साइड में आ गई गाड़ी डिवाइडर के। ये देख सकते हो यहाँ पे, मैं इसका एक बार कैलिब्रेशन मार के देखता हूँ। पीछे लगाओ आराम से। तो हम लोग को पहले सबसे पहले गाड़ी बंद रखना है, इग्निशन ऑन रखना है और स्टीयरिंग व्हील सीधा रखना है। स्टीयरिंग सीधा रखो, बिल्कुल सीधा स्टीयरिंग सीधा करो। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने स्कैनर लगाया हुआ है। यहाँ पे हुंडई सेलेक्ट करेंगे, सोलो पिन में जाएंगे, ऑटोमेटिक में सर्च करेंगे एक बार। विन नंबर वगैरह ले लिया ऑटोमेटिक। इसमें ईपीएस में जाएंगे, एक बार रीड फॉल्ट कोड करेंगे, कुछ फॉल्ट कोड नहीं है। फिर स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है एएसपी कैलिब्रेशन। तो यहाँ पे बता रहा है कि पहला नंबर इग्निशन ऑन रखना है और गाड़ी को बंद रखना है और हमारा स्टीयरिंग व्हील सीधा रखना है। तो हमारा सब बराबर है, ओके करते हैं। तो यहाँ पे ओके करने के लिए बोल रहा है। अभी हमें चाबी बंद रखना है 10 सेकेंड, चाबी बंद करो। चाबी बंद रखने के बाद ओके करना है। प्रोसेस में है, तो यहाँ पे हो गया है। अभी हमको चाबी ऑन करना है, गाड़ी स्टार्ट करो, चलाओ जरा। कैलिब्रेशन किया है और चला के देखते हैं। गाइस मैंने कैलिब्रेशन मारा है और गाड़ी हमारी बराबर हो गई है, ये देख सकते हो आप लोग, लेफ्ट में नहीं जा रही है। अभी स्टीयरिंग का काम किए थे तो इसका कैलिब्रेशन करना ही पड़ता है। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।